हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो छोटी सी है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। क्लच रिलीज करते ही गाड़ी बंद क्यों हो जाती है, और खासकर जो बिगिनर्स होते हैं, नए ड्राइविंग सीख रहे होते हैं, उनके साथ ये इशू जरूर आता है कि क्लच छोड़ा और गाड़ी बंद हो गई। एक दो बार रास्ते में कहीं भीड़ वाले इलाके में गाड़ी जरूर बंद होती है। तो आज इस वीडियो में छोटी सी एक ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिससे कि इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ कभी भी नहीं आएगी। क्लच छोड़ेंगे और स्मूथली गाड़ी आपकी आगे बढ़ेगी। सबसे पहले देखिए, अभी मैं रोड पे हूँ, कैसे गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, कैसे गियर शिफ्ट करेंगे, ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके देख सकते हैं। आज बात करते हैं सिर्फ क्लच रिलीज के ऊपर। होता क्या है कि जब भी आप ये क्लच पेडल को रिलीज कर रहे होते हैं, ये आपने दबाया हुआ है, आप रिलीज करते हैं, रिलीज करते रहते हैं और गाड़ी बंद हो जाती है। और कई बार तो क्या होता है, गाड़ी के क्लच में भी कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव होती हैं, तो उस टाइम पे आपको और ज़्यादा एक्सपर्ट होने की ज़रूरत होती है। आज जो आपको दिखाने के लिए मैंने गाड़ी चुनी है, इस गाड़ी का क्लच बहुत नीचे से ही काम करना शुरू कर देता है, यानी कि क्लच प्लेट में फ्रिक्शन जोन बहुत कम है। अब ये फ्रिक्शन जोन क्या है, इसको समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ये समझ गए तो आप समझ लीजिए आपकी इस तरह से कभी गाड़ी बंद नहीं होगी, और गाड़ी में आपके मेंटेनेंस तो कम आएगा ही। जैसा कि आप लोग मेरी टिप्स को देखते ही हैं कि गाड़ी को चलाना और मेंटेनेंस कम रखते हुए चलाना, वो सारी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ। पहले बता देता हूँ कि फ्रिक्शन जोन क्या होता है। देखिए, फ्रिक्शन जोन ये होता है कि जब आप क्लच पेडल को दबाते हैं और छोड़ते हैं, तो फ्रिक्शन जोन में हमारा क्लच आता है और चला जाता है। इंजन एक तरफ है, कंटिन्यू मूव कर रहा है, गाड़ी आपकी स्टार्ट है, कंटिन्यू इंजन घूम रहा है, लेकिन जब क्लच प्लेट आपकी इसके साथ चिपकेगी तभी आपकी गाड़ी मूव होना शुरू होगी। अब इस चिपकने से पहले थोड़ा सा स्लिपी एरिया आता है, जब भी क्लच प्लेट स्लिप होकर चल रही होती है, तो जब स्लिप होकर चल रही होती वो जो टाइम होता है वो होता है इसके फ्रिक्शन जोन का टाइम। तो वो फ्रिक्शन जोन आपको सडनली जब आप क्रॉस कर देते हो तो आपकी गाड़ी बंद हो जाती है। फ्रिक्शन जोन में थोड़ी देर रुकना पड़ता है, जब आप रुकेंगे तो गाड़ी बंद नहीं होगी। प्रैक्टिकली दिखाता हूं, मैं गाड़ी पहले स्टार्ट कर लेता हूं, न्यूट्रल पोजीशन पे गाड़ी मैं कर लेता हूं स्टार्ट, गाड़ी स्टार्ट, सीट बेल्ट। एक चीज याद रखिए, गाड़ी चलाने से पहले, गाड़ी ड्राइव करने से पहले आपको अपने मन को बिल्कुल शांत कर लेना है। क्लच पेडल आपने प्रेस किया, गियर शिफ्ट किया फर्स्ट। अब होता क्या है कि आपने क्लच पेडल प्रेस किया हुआ है और आप क्लच पेडल को छोड़ते हैं, ट्रेनर जो होता है, ट्रेनर आपको बोल रहा होता है कि साहब क्लच पेडल को रिलीज कीजिए, साथ साथ एक्सीलेटर को दबाते जाइए, गाड़ी आपकी चल देगी। लेकिन आप क्या करते हैं, जैसे आप क्लच पेडल को छोड़ते हैं, गियर फर्स्ट, आप क्या करते हैं, जैसे ही क्लच पेडल को छोड़ते हैं और इससे पहले गाड़ी बंद हो जाती है। आप तो धीरे धीरे छोड़ रहे थे, वही बात आती है, आप कर वैसा ही रहे लेकिन फिर भी गाड़ी बंद हो रही है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो फ्रिक्शन जोन में आ रहा है आपका क्लच प्लेट, तो आप सडनली उसके साथ उसको अटैच कर, तुरंत फ्रिक्शन जोन को क्रॉस करके डायरेक्टली आप जो फ्लाईव्हील है उससे प्लेट को चिपका दे रहे हैं, और गाड़ी पे एकदम से जोर पड़ रहा है। इंजन पे जब ज्यादा लोड पड़ेगा तो इंजन बंद हो जाएगा, और वही इंजन पे लोड धीरे धीरे करके पड़ेगा तो आपकी गाड़ी मूव होने लगेगी। दोबारा से एक बार स्टार्ट करके दिखाता हूं कैसे होगी। गाड़ी स्टार्ट कर दी मैंने, क्लच मेरा फुल प्रेस है, गियर में गाड़ी है। अब मुझे क्या करना है, हल्का सा क्लच को आप रिलीज करेंगे, एक ऐसा पॉइंट आएगा यहां पे जहां पे कि आपको गाड़ी के इंजन में वाइब्रेशन से फील होने लगेगी, यानी कि एक हल्की सी बाइट आने लगेगी आपको क्लच के चिपकने की, और उस टाइम पे आप देखेंगे आरपीएम भी आपके डाउन होंगे। ये देखिए, हल्का सा आया, लोड आया और गाड़ी चलने लगी। अब इसी जोन पे क्या करना है, आपको पेडल को रोक देना है। अब इसको आगे छोड़ना मत शुरू कीजिए, इस पे हल्का सा रोक दीजिए। अब चाहेंगे तो एक्सीलेटर प्रेस कर सकते हैं, अगर नहीं भी करेंगे, आपने इस जोन पे हल्का सा इसको रोक दिया, हल्का सा, देखिए गाड़ी आपकी मूव होने लगी। जैसे ही गाड़ी ने थोड़ा सा मोमेंटम बना लिया, अब आप क्लच को फुल्ली रिलीज कर सकते हैं। गाड़ी चल दी और मेरा पैर ना एक्सीलेटर पे है ना किसी भी चीज़ पे, गाड़ी बंद नहीं हुई। अब आप चाहें तो यहाँ से एक्सीलेटर लीजिए और सेकेंड गियर शिफ्ट कीजिए और गाड़ी को आप चला सकते हैं। एक बार फिर से आपको करके दिखाता हूँ, अब कैसे करूँगा, एक्सीलेटर के साथ, जो ट्रेनर आपको बता रहा होता है कि एक्सीलेटर प्रेस करते रहिए और क्लच छोड़ते रहिए, तो वो एक रूटीन में आ जाएगा जब आपकी हैबिट इस तरह से हो जाएगी। एक्सीलेटर कब देना है, जब आपको लगे, एडी नहीं बेटा,
एडी की आवाज बीच बीच में आएगी, थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि एडी मेरी लाइफ का एक पार्ट है, तो उसको आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, बीच में आवाज थोड़ी बहुत आती है, सॉरी। तो अभी टॉपिक पे आते हैं। करना क्या होता है, सेम वैसे ही क्लच को हल्का सा रिलीज किया, एक पॉइंट आया, क्लच की बाइट आने लगी, बस यहीं पे रोक के रखिए इसको आप। अब आप फ्रिक्शन जोन में आप एंटर कर चुके हैं, लेकिन पूरी तरह से आपने उसको लगाया नहीं है, पूरी तरह से यानी क्लच प्लेट चिपकी नहीं है। गाड़ी चल दी हमारी, देखिए चलने लग गई, एक मोमेंटम पकड़ लिया गाड़ी ने। अब आप क्लच को फुल भी छोड़ देंगे तो गाड़ी हमारी बंद नहीं होगी। एक्सीलेटर लीजिए और गियर को शिफ्ट कर दीजिए। एक बार फिर दिखा देता हूं मैं आपको, यू टर्न पे हूं मैं, फर्स्ट गियर ये लिया मैंने, हल्की सी बाइट आई। अब आप यहां पे एक्सीलेटर भी ले सकते हैं, देख रहे हैं गाड़ी आपकी बंद नहीं होगी बिल्कुल भी। ये ले लिया मैंने यू टर्न सीधे, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। वो जो फ्रिक्शन जोन है, उस फ्रिक्शन जोन में क्या होता है कि क्लच प्लेट आपकी स्लिप करते हुए थोड़ा सा, यानी कि ये इंजन है समझ ले, इंजन मूव कर रहा है। अब क्लच प्लेट आपकी जब यहाँ पे चिपकने आई तो धीरे धीरे स्लिप करते हुए उसके साथ उसको पावर ट्रांसफर कर रही है, यानी कि फुल लोड नहीं डाल रही है इंजन पे, इंजन पे पार्शली लोड डाल रही है। और यहीं अगर होता आप, यहीं पे आप उसको अगर पूरा छोड़ देते तो क्या होता, फुल लोड आता, इंजन हो जाता बंद। इंजन के ऊपर जब लोड आने लग जाए, क्लच की बाइट आने लग जाए, तब आपको वहां पे पैडल को हल्का सा रोकना है, गाड़ी चलने लगे, फिर आपको थोड़ा सा आगे करना है, फिर आगे बढ़ाना है। देखिए गाड़ी स्टार्ट है मेरी, न्यूट्रल कर देता हूँ, गाड़ी स्टार्ट है, क्लच पैडल प्रेस किया मैंने, गियर शिफ्ट किया फर्स्ट, हल्का सा क्लच को रिलीज किया। आरपीएम पे ध्यान देंगे, आरपीएम हल्का सा हिलेगा और वाइब्रेशन हल्का सा इंजन पे फील होने लगा, गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गई। अब उसी जोन पे मैंने रोक के रखा है क्लच को, अब मैं यहां से रिलीज करते नहीं रह रहा हूं। होता क्या है, गलती कहां होती है कि वहीं से आप रिलीज करते रहते हैं और आप उसी स्पीड में क्लच को रिलीज करते रहते हैं, जहां आपको उसका क्लच की बाइट आई आपने वहां उसको रोक के रखा, आगे आने दिया, गाड़ी चलने लगी, आपने इसको प्रेस किया और ये गाड़ी आ गई आपकी। अब आप चाहें जैसे भी चल सकते हैं। इसी तरह से ट्रैफिक में भी आपको करना होता है, ट्रैफिक में अगर आप रुके हुए हैं, आगे कोई गाड़ी खड़ी है, तो सेम प्रोसेस सेम तरीके से आपको करना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, छोटी सी ट्रिक है, अगर इसको फॉलो करेंगे तो आपकी गाड़ी कभी इस तरह से बंद नहीं होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।